आइए दादी माँ। पक्का इसी से शादी करनी है। सोया, दादी को अंदर ले जाओ। हाँ बेटा, शुक्रिया। आपकी दादी कितनी क्यूट है, आप उनकी तरह क्यों नहीं हैं? शिवे, शिजन, बहुत बधाई हो। शुक्रिया। मिस कू, हेलो, मैं हूँ रणशिवी। हेलो। आज से तुमने मुझसे मेरी जिंदगी पूछी। शिचन की देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारी। मैं अंदर जाती हूं। ठीक है। तुम कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं था कि मुझे इन सब से भी निपटना होगा? तुम मुझसे प्यार कब से करने लगी? ये कैसा बकवास सवाल है। अगर प्यार नहीं करती तो वो राइवल कैसे हुई? सही कह रहे हैं। जोया, थैंक्स। ब्राइड ग्रूम एक दूसरे को देखो। कू शीशी, विल यू मैरी इन शिचेन? आई विल। इन शिचेन, विल यू हैव कू शीशी टू बी योर वाइफ? मानता हूं। ब्राइड में ड्रिंक्स ले आइए। आज से ये दोनों पति पत्नी हुए। इस पल से जिंदगी के हर मोड़ पे, हर कदम पे एक दूसरे का साथ देंगे। तो ग्रूम, आप ब्राइड को किस करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट के बारे में याद है ना? मेरा फायदा नहीं उठा सकती। पहले नहीं बता सकते थे कि तुम्हारे पास दूसरा प्लान है? मैं तुम्हारा बॉस हूं, जैसा करता हूं वैसा करो। और आज से तुम हो
मिसेस यिन मतलब मेरी लीगल वाइफ, आज से तुम्हारा पहला काम होगा सोशलाइज करना। अरे हाँ आओ पापा माँ, ये मौका एक साथ सेलिब्रेट करने का है। चीयर्स। जी जी इधर आओ बेटा। हाँ जरूर। हम सिर्फ एक ही बार मिले हैं, लेकिन शीशी ने तुमसे शादी करने का सोचा। इसका मतलब तुम सच में एक अच्छे इंसान हो। आज से शीशी तुम्हारी वाइफ है, तुम उसका ध्यान रखना। मैं उसे तुम्हारे भरोसे छोड़ रही हूँ। कुछ बातें हैं जो तुम्हें जानना चाहिए। पहले, शीशी को स्पाइसी फूड बहुत पसंद है। वो रोना चाहती है जब उदास होती है, पर उसे पसंद नहीं कि किसी को ये पता चले। दुखी होती है तो ऐसा करती है। दूसरा, शीशी का हमेशा सपना रहा है कि वो एक डिजाइनर बने। पुराने बुरे दिनों में शीशी ने इन सबसे समझौता कर लिया था, पर अब वो आजाद है और मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम उसे सपोर्ट करोगे, और मैं चाहती हूँ कि वो खुल के अपना जीवन बिताए, और अंत में मैं खुश हूँ। उसे अपना सपना पूरा करने देना, और वो जो चाहती है उसे वो सब करने देना। इस गु को शायद चढ़ गई है। जानता हूं। वो आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि ये उल्टियां करके मर जाए और ये कल की न्यूज बन जाए कि मिस्टर येन की नई नवेली दुल्हन शादी की रात ही गुजर गई। इसका ध्यान रखो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसका कोई भी मजाक उड़ाए। तुम रो क्यों रही हो? ये बहुत गलत है। मैं हमेशा सोचती थी कि मेरी शादी उसी से होगी जिससे मैं प्यार करूंगी। वही मेरी उंगली में अंगूठी पहनाएगा और मैं हमेशा उसके साथ खुश रहूंगी। पर क्यों मेरी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट बनकर रह गई? तुम मुझसे नफरत करती हो? हाँ, I hate you, I hate you. इंचिचन, वो एक घमंडी इंसान है, झूठा है, मक्कार है, कमीना है। मैं जलता हूँ तुमसे। किस बात के लिए? क्योंकि तुम रो पाती हो, बचपने करती हो, और तुम्हारा जैसे मन वैसे रहती हो। बहुत दिनों से मैं रोया नहीं हूं। आखिरी बार कब रोया था याद भी नहीं है। तुमने एक बात बिल्कुल सही कही कि मैं बहुत ही घमंडी इंसान हूं और मेरे पास इन सब के लिए समय नहीं है। गुजीजी गुड नाइट।